है ना, एक लेसन चैप्टर नंबर 3 पढ़े थे और उसका कुछ भाग छूटा हुआ है, वो भाग मैं आज पूरा करने जा रहा हूँ। क्लास 7 के स्टूडेंट्स आप सुनेंगे। फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने राजगद्दी पर बैठा था 1351 ईस्वी में, और इनकी है ना शासन कब तक चली, 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक चली। फिरोज शाह तुगलक वो सक्सीडेड इज कजिन मोहम्मद बिन तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक है ना किनके उत्तराधिकारी बने, वो मोहम्मद शाह मोहम्मद बिन तुगलक का बने। लर्न इज लेसन वेल, और उन्होंने उनके समय में है ना बहुत सा अच्छा है ना बहुत सा चीज इन्होंने सीखा। ये एम एट कंसोलिडेटिंग इज एम्पायर एंड हेंस टुक ए नंबर ऑफ मेजर्स एंड एट रिफॉर्मिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने देखा क्या कि इनके जो चचेरा जो कजिन थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनके समय में है ना कुछ शासन बिखर गया था, कुछ देश बिखर गया था, पूरी तरह से ये अपने साम्राज्य को पूरा एकत्र करके एक अच्छा मजबूत बनाने में, और है ना इस प्रक्रिया के लिए इन्होंने बहुत सा बदलाव अपने प्रशासन में किया। ये अंडरटुक मेनी ह्यूमेटेरियन मेजर सच एज बैनिंग इनह्यूमेन पनिशमेंट्स। इन्होंने बहुत सा नया कानून बनाया जो मानव जाति के लिए और मानवता के लिए बनाया, जिस तरह की फर्स्ट एग्जाम्पल में दे बैनिंग इनह्यूमेन पनिशमेंट, जो कि है ना इनके शासनकाल में, उनके मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जिस तरह है ना लोगों को सजा दी जाती थी, वो सजा में है ना बहुत कटौती किया, वो सजा को इन्होंने बदल दिया। सेटिंग अप हॉस्पिटल फॉर पुअर एंड सो ऑन, और बाद में गरीब लोगों के लिए इन्होंने हॉस्पिटल बनाया, बहुत कुछ किया। फिरोज शाह तुगलक इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन इन सिक्स इन टैक्स स्ट्रक्चर, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में वो जो कर लेने की जो स्ट्रक्चर थी वो अलग थी, उसमें भी इन्होंने फेर बदल करके नया स्ट्रक्चर बनाया। फिरोज शाह फाउंडेड ए सिटी फिरोजाबाद और फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। फिरोज शाह ने एक एक नया शहर बनाया, उसका नाम फिरोजाबाद या फिरोज शाह कोटला और दिल्ली में। इज डेथ इन 1388 वॉज फॉलोड बाई दी सीरीज ऑफ रिबिलियंस विच हैस्टन दी एंड ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, और 1388 ईस्वी में इनकी देहांत हो गई। इसके बाद है ना अपने ही लोग एक दूसरे का है ना विद्रोह करते, लगातार विद्रोह करते रहे, जिसके कारण क्या कि तुगलक वंश का क्या हो गया, अंत हो गया। क्या हो गया, तुगलक वंश का शासन का अंत हो गया। और उसके बाद कौन आया, उसके बाद तिमूर इन्वेशन इन 1398, उसके बाद क्या हुआ समझ गया ना, 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत के ऊपर चढ़ाई किया। दी वीकनेस ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट मेड दी एम्पायर वेनरेबल टू एक्सटेंड इन्वेशन, और है ना दिल्ली सुल्तानेट जो जो राजाएं होते थे उनके शासन में बहुत कमजोरी थी, इसके कारण क्या हुआ समझ गया ना, एक तैमूर को एक मौका मिल गया भारत के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। द रूलर ऑफ समरकंद इन सेंट्रल एशिया एंड द फाउंडर ऑफ द तिमुरिड डायनेस्टी तैमूर इन्वाइटेड इंडिया इन 1398। ये तैमूर कहाँ के थे, ये समरकंद कहाँ पड़ता है, मध्य एशिया में पड़ता है, और ये किसके फाउंडर थे, ये किस वंश के फाउंडर थे, तैमूर वंश का फाउंडर थे। इन्होंने भारत के ऊपर 1398 ईस्वी में चढ़ाई किया। हिज आर्मी कैरिड आउट एन एक्सटेंसिव प्लंडर ऑफ दिल्ली एंड कैरिड अवे एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ एज वेल एज मेनी इंडियन आर्टिस्टियन सच एज कारपेंटर मेसन एक्सेट्रा, और इन्होंने भारत के ऊपर जब चढ़ाई किया उस समय में भारत को और दिल्ली को है ना बुरी तरह से इन्होंने दौलत को लूट लिया, बहुत सा दौलत लूट लिया, और दौलत के अलावे इन्होंने भारत के जो कलाकार उस समय में थे, जिस तरह कारपेंटर बड़ी मैसन मतलब जो राजमिस्त्री हुआ करते थे, वो सबको पकड़ के अपने देश ले गया। द लास्ट तुगलक रूलर नसीरुद्दीन वाज अनेबल टू चेक द इन्वाडर, और वो लास्ट जो तुगलक डायनेस्टी के रूलर जो थे नसीरुद्दीन, वो रोक नहीं पाए इनको, इसके कारण क्या हो गया, देश तबाह हो गया। इसके बाद कौन सा वंश आया, सैयद डायनेस्टी आया। वो सैयद डायनेस्टी का शासनकाल 1414 से लेकर 1451 ईस्वी में ईस्वी तक चला।
before the Timur left Delhi, has appointed Khuzir Khan as his viceroy, who went on to establish a Syed dynasty after defeating the Tughlaqs. और है ना, जब तैमूर लूट कर जब दिल्ली को दिल्ली से वापस जा रहा था, वो एक वायसराय के रूप में खिजिर खान को है ना बहाल किया, ताकि है ना देश का शासन चलाने के लिए एस्टैब्लिश सैयद खान आफ्टर डिफीटिंग दी तुगलक, मतलब जो तुगलक का जो लास्ट राजा था उसको हराने के बाद ये तैमूर ने क्या किया, दिल्ली से वापस लौटा, लौटते समय एक वायसराय को बहाल किया, उसका नाम खिजिर खान था, समझ गए ना। खिजिर खान टुक ओवर एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली। खिजिर खान 1414 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बने। ही रूल्ड फॉर 7 years, 7 साल ये ना शासन किया, एंड वाज सक्सीडेड बाय सन मुबारक शाह। और उसके बाद ये 7 साल के बाद इनकी देहांत हो गई होगी, इनके बाद इनका बेटा मुबारक शाह राजगद्दी पर 1421 ईस्वी में बैठा। यहिया बिन अहमद श्री हिंदी तारीख ए मुबारक शाही गिव्स ए डिटेल अकाउंट ऑफ मुबारक शाह रीजन। और उस समय में कोई ब्राह्मणकारी आए होंगे या कोई कवि थे, या इनके बारे में पूरी तरह से नहीं दिया है। यहिया बिन अहमद सिरहिंदी तारीख ए मुबारक शाही, उन्होंने तारीख ए मुबारक शाही लिखा था, गिव्स ए डिटेल अकाउंट ऑफ मुबारक शाह रीजन। और मुबारक शाह के समय में किस तरह शासन था, किस तरह क्या था, उसके बारे में पूरी तरह से उन्होंने बखान किया। मुबारक शाह वाज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू, मुबारक शाह है ना उनकी देहांत के बाद उनका नेफ्यू मोहम्मद खान वो राजगद्दी पर बैठे, वो रूल्ड एज ए सुल्तान मोहम्मद शाह। और जब वो सुल्तान बने अपने आप को मोहम्मद शाह कहलाने लगे। आफ्टर हिज डेथ ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन, उनकी मौत होने के बाद उनका बेटा बना, एंड द लेटर रूलर ऑफ डायनेस्टी अल्लाउद्दीन असलम शाह हु एब्डिकेटेड द थ्रोन इन 1451। और उसके बाद है ना उनका बेटा बना वो अल्लाउद्दीन असलम शाह, उन्होंने है ना 1451 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। उसके बाद है ना धीरे धीरे ये वंश का है ना सैयद वंश का है ना पतन हो गया। बाद में कौन आया राजगद्दी पर, लोधी डायनेस्टी, ये 1451 से लेके 1556 ईस्वी तक इनकी शासन चली, एंड डिक्लाइन ऑफ द सुल्तानेट, इनकी शासन तो चली बहुत साल, लेकिन उसके बाद इनकी भी है ना वंश की पतन होने लगी, इनकी भी शासन की पतन होने लगी। सबसे बैलुल लोधी, सबसे पहले कौन राजा बने, बैलुल लोधी, देन द गवर्नर ऑफ सिरहिंद पंजाब बिकम द न्यू सुल्तान ऑफ दिल्ली। और बैरुल लोधी जो थे वो पंजाब के गवर्नर थे, बाद में वो दिल्ली के सुल्तान बन गए। दी लोधी डायनेस्टी वाज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द अफगान रूलर। और लोधी जो वंश था वो अफगानिस्तान का था, ये वंश दैट केम टू पावर ड्यूरिंग द सुल्तानेट पीरियड। और ये अफगान के लोग आकर भारत के दिल्ली को कब्जा करके वो सुल्तान बन के ना भारत के ऊपर शासन करने लगे। बालुल वाज सक्सीडेड बाय हिज सन, बालुल के बाद कौन बने, सिकंदर लोधी बने, वो 1489 ईस्वी में, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी ऑफ आगरा इन 1503। उन्होंने अपने शासन काल में है ना आगरा शहर को बनाना शुरू किया, और आगरा शहर का नींव रखा कब, 1503 ईस्वी में। ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन इब्राहिम लोधी इन 1517। बाद में इनके बाद इनका बेटा इब्राहिम लोधी 1517 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1926 सॉ द इब्राहिम लोधी डिफीट एट द हैंड्स ऑफ बाबर एंड द फाइनल फैटल ब्लो टू द एक्सिस्टेंस ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट। और सबसे पहला पानीपत युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। और वो इब्राहिम लोधी के ऊपर कौन चढ़ाई किया था, बाबर चढ़ाई किया था। वहां पर इब्राहिम लोधी बुरी तरह से हार गए, और उसके बाद है ना दिल्ली का शासन है ना उनके हाथ से जाता रहा। सुल्तानेट एडमिनिस्ट्रेशन, दिस सुल्तानेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है उसके बारे में पूरा सुनेंगे। दिस सुल्तान वाज द सेंट्रल एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट पर्सन इन द सुल्तानेट। सुल्तानेट में सबसे पावरफुल आदमी कौन होता था, सुल्तान हुआ करता था।
he defended the empire against external attacks and maintained law and order. और सुल्तान का काम क्या था? बाहर से लोग आके जो चढ़ाई करते थे उनसे मुकाबला करना और अपना देश में है ना कानून व्यवस्था को कायम रखना. एंड ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी. और ये सुल्तान क्या होता था, जो फौज हुआ करता था आर्मी उसका कमांडर इन चीफ हुआ करता था एज वेल एज द चीफ जस्टिस ऑफ द एम्पायर. और है ना न्यायपालिका में यही चीफ जस्टिस हुआ करते थे सुल्तान. नोबल्स, ये नोबल्स का क्या काम होता था सुनो, दे ऑक्यूपाइड सिविलियन एंड मिलिट्री पोजिशन इन द सुल्तानेट. नोबल्स का कौन कौन सा पोजिशन होता था मिलिट्री में, मतलब सैनिक में बहुत बड़े बड़े पोजिशन हुआ करते थे. और है ना वर्क क्लोजली विद द सुल्तान, यार ये लोग सुल्तान के साथ रहके ना सुल्तान के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करते थे. इन ऑर्डर ऑफ रैंक द खान्स वेर द हाइएस्ट फॉलोड बाय मालिक्स एंड आमिर. और दूसरा कैटेगरी कौन आता था, खान का आता था. ये सबसे ऊंचा हुआ करते थे. और इसके बाद कौन होते थे, मालिक्स और आमिर होते थे. द सैलरीज ऑफ द नोबल्स वेर अरेंज फ्रॉम द रेवेन्यू साइन टू देम. और उनका इन लोग का जो वेतन मिलता था वो किस आधार पर मिलता था, इनको जितना रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए दिया जाता था उसी रेवेन्यू के आधार पर इनकी तनख्वाह मिलती थी. अकॉर्डिंग टू दी एकता सिस्टम, मतलब एकता प्रणाली के तहत दी लैंड रिसोर्सेस ऑफ सुल्तानेट वेर डिवाइडेड एंड गिवन टू दी नोबल्स इन लियू ऑफ कैश फॉर देयर सर्विसेस. और है ना एकता प्रणाली के तहत है ना दी जमीन का जो रिसोर्सेस होते थे सुल्तानेट क्या उसको विभाजित करके और उसको है ना नोबल को दिया जाता था क्योंकि कैश के रूप में इन लिए ऑफ कैश फॉर देयर सर्विसेज, मतलब उसके सर्विस कौन है पूछो पढ़ाते चले. द रॉयल पैलेसेस, और है ना राजा का जो खर्चा होते थे रॉयल पैलेसेस का. कारखाना एंड वर्कशॉप हेडेड बाय द मालिक, जो कारखाना वर्कशॉप था वो मालिक द्वारा चलाया जाता था. वेर सेटअप वेर इन वेरियस आइटम्स सच एज क्लोथ पेंटिंग्स एंड अदर आर्टिकल्स वेर प्रोड्यूस. और उसी समय में बहुत नया आर्टिकल जैसे कपड़े हुआ पेंटिंग हुआ ये सब प्रोड्यूस किया जाता. एट टाइम्स मिलिट्री गुड्स वेर ऑल्सो प्रोड्यूस इन दिस वर्कशॉप. और इसमें है ना बहुत सा मिलिट्री मतलब बहुत सा फौज को काम आने वाला चीज को भी उत्पादन किया जाता था. इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट स्लेव्स वेर अपॉइंटेड एज ए पर्सनल असिस्टेंट एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल. और यहाँ पर बहुत ताजुब है कि जो गुलाम होते थे उनको है ना राजा अपना पर्सनल असिस्टेंट के रूप में और प्रशासनिक ऑफिशियल के रूप में मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के रूप में बहाल किया जाता था. ऑफिशियल्स ऑफ द सुल्तान कोर्ट, सुल्तान कोर्ट में ऑफिशियल्स कौन होते थे? सुल्तान कोर्ट वॉज कम्पोज ऑफ ऑफिशियल्स हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द सुल्तानेट. उसमें ऑफिशियल कौन हुआ करते थे सुनो, वजीर एंड हिज डिप्टीज हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनकम एक्सपेंडिचर एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. सुल्तान के अंडर में वजीर होते थे वो है ना इनकम और एक्सपेंडिचर को देखा करते थे और है ना रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे. बाद में अरिजी मलमुख अलोंग विद हिज डिप्टीज लुक आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सोल्जर्स. इनका काम क्या था, सब फौजी को और फौजी मेंटेन करना इनकी काम था, ट्रेनिंग देना इक्विपमेंट देना. बाद में वकील दादार द हाउस होल्ड ऑफ द सुल्तान द पैलेस गार्ड्स एंड द पर्सनल असिस्टेंट्स वेयर द अंडर द कंट्रोल. वकील दार के अंदर में क्या होता था, सुल्तान का घर और उनका महल और महल के गार्ड्स और जितने पर्सनल असिस्टेंट होते थे उनको देख रेख करना था. अमीर हजीब द मास्टर ऑफ सेरेमोनीज एट द कोर्ट. और दरबार में जो सेरेमोनीज जो फंक्शन होते हैं उसको क्या करता था, अमीर हजीब पूरा करता था. बाद में चीफ खाजी हेडेड बाय द जस्टिस डिपार्टमेंट, मतलब न्यायपालिका का हेड कौन होता था, चीफ खाजी होता था. आर्मी, द आर्मी वॉज सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द सुल्तान. सुल्तान का चीफ कंपोनेंट कौन होता था, आर्मी होता था. दी आर्मी कंसिस्टेड ऑफ इन्फेंट्री, इसमें इन्फेंट्री भी होता था, फुट सोल्जर्स भी होते थे,
कैवलरी भी होते थे, हॉर्स सोल्जर्स भी होते थे, आर्चर्स भी होते थे, एलिफेंट्स भी होते थे. हॉर्सेस ऑफ गुड क्वालिटी वेयर आउटमोस्ट इम्पोर्टेंस एंड देयरफॉर दे वेर इम्पोर्टेड फ्रॉम अरेबिया. और सुल्तान को है ना अच्छे अच्छे वेराइटी के ना घोड़ा का जरूरत था, इसी के लिए ये अरेबिया से घोड़ा को मंगाते थे. अलाउद्दीन खालजी मेंटेन ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर नोन एज शेरा एंड ब्रांडेड ईच हॉर्स इन ए आर्मी नोन एज डागा. और अलाउद्दीन खालजी ने बहुत अच्छा, अलाउद्दीन खालजी मेंटेन ए डिटेल डिस्क्रिप्शन, उन्होंने पूरी तरह से एक एक सोल्जर्स के बारे में अपना डिटेल मेंटेन किया. उन्होंने उसे शेरा बोलते थे और ब्रांडेड ईच हॉर्स एज हिज आर्मी नोन एज डागा. और उन्होंने जिस दिन को घोड़ा दिया गया था उसको दागा बोलता था. लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड इन कैश ड्यूरिंग दिस रीजन. और जो भी राजस्व, जो भी मालगुजारी वसूला करते थे लोग कैश के रूप में. एंड सोल्जर्स वेयर ऑल्सो पेड इन कैश. और इस सोल्जर्स को है ना जो जिस सिपाही जो जो सैनिक होते थे उनको रुपये के रूप में ही है ना दिया जाता था. इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, यहाँ पर अर्थव्यवस्था कैसी थी और लोगों की जिंदगी, सामाजिक जिंदगी क्या थी, सुनो. सुल्तान डिपेंड ऑन ए रेगुलर इनकम फ्रॉम द लैंड एंड इन ऑर्डर टू पे द ऑफिशियल्स, मेंटेन आर्मी एंड कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग. सुल्तान का मुख्य स्रोत क्या था, जो जमीन से जो रेवेन्यू आता था उसी से वो ऑफिशियल्स को तनख्वाह भी देते थे, आर्मी को भी मेंटेन करते थे, बड़े बड़े भवन भी बनाते थे. वेरियस काइंड्स ऑफ टैक्सेस सच एज खराज,